बलिहारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो रे मेरा। गुरुदेव की कृपा हुए तो गोविंद रा दर्शन हो गए, और गुरु की कृपा नहीं है तो गोविंद रा दर्शन कठिन नड़ा गई को पहली शब्द रो अनुभव करनो पड़े पछे कोई गोपाल रा दर्शन हो गए। सतगुरु जिनका नाम है जिनका घट के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। देवन के गुरुदेव हो आप बड़े जगदीश, बेड़ी भवदल बीच में गुरु तारे विश्वास बीच। सतगुरु जिनका नाम है जिनका घट के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरु ही हुए और गुरु तो जीवन रमायने शब्द गुरु रूपी मान ले तो सत्संग रमायने गुरु की प्राप्ति होया करे। तो जोधपुर दरबार राजा मान सिंह जी गुरु में हमारे भजन द्वारा फरमावे कि वो सत्संग है आप पहले भी ही और आज भी है और आगे भी। अरे अरे और इन सत्संग रे मायने देखो प्रेम रो प्यालो भगवान रे नाम रो जो प्रेम रस रो प्यालो है तो ई सत्संग रे मायने प्राप्त होया करे है। हर जीव अंतर ने अगर सत्संग रो अनुभव होए और सत्संग री महिमा रो चाव होए तो भी ने प्रेम रस मीठो मिलिया करे। और भजन द्वारा फरमावे अरे मन कर मन मारे ये पिलायो रे, हे दयालु माने हरि रस पायो रे। मन कर मन मारे पिलायो हरे
भगवान आत्मा कनेक्शन परमात्मा हुए और परमात्मा कनेक्शन हुए नहीं तो न पश्चिम ठा पर जो के वाकई कोई भक्त है जो वो सत्संग में बैठे हैं असंग दुगारी नींद उड़ाई सूता ने आई जगह गुरु समाने कर मनवार प्रेम प्यालो पायो फिर के कुटुंब कबीलो सब जग झूठो कुटुंब परिवार जिता भी है जब सगला स्वार्थ है आबाद अपना हगलन था क्योंकि स्वार्थ बिना कुछ नहीं सास तका सबास करे सास के ओके काटो काटो धरती को धन कमाए ले अपने मिचोले सनाती में बांधे काटो अड़ोस पड़ोस बुलाई जार कोई नहीं केवे नर हो तो ठाडो ठेठ मशान पोचा दे रह जो जान चलियो जावे लाडो तो सास हुए जितने आस हुए आदमी सास निकल जाने जन अपनो स्वार्थ अड़ जाए और संसार में मैंने आदमी कोई भी आवे तो एक भगवान की असीम कृपा हुए जागा भाग पूर्वला को पूर्वला भाग अपना जाग जावे जद अपने
नारायण यानी भगवान दी देह बड़पणी और मनुष्य जुड़ी मिले। नर और नारायण एक ही चीज है। नर और नारायण में की फर्क होने समझे जन तो एक चीज है। जो बोलता पुरुष है वही भगवान है और जो भगवान है वही भी बोलता पुरुष है। राम निकल गयो के कह नि के थारो राम निश्रियो राम निश्रियो पद की करे वे कई जीव तेरो राम निकले कई जो शरीर राम निकले राम कई तरह का निकले। तो बो राम है नी बो निकलने रे बाद रे मायने पछ कोई गुआर न रो कुटुंब कबीलो सब सब झूठो माने सच करु साचो समझ आयो रे गुरा सा माने कर्म अनुवार प्रेम प्यालो पायो रे सत्संग रे मायने प्रेम रो प्यालो राम रस मीठो है। बड़ो भाव सुने जिकन मीठो लागे पिलरो हारो दिया बैठ रहे जिकन सरको लागे। हाँ क्योंकि वो आपकी नींद में ही मस्त हो जाते हैं। फिर के आऊं नहीं जाऊं तक में नहीं आनो है नहीं जानो है तेरी प्राप्ति एक सत्संग रे द्वारा होवे। ई सत्संग माने पापी आदि का भी तिर गया गुरु मुखी आदि भी तिर गया। ई सत्संग रे पोता सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भगी लख पावे। कोई बहुत ही किस्मत आलो आदमी होवे नहीं जिकने सत्संग री प्राप्ति होया करे। आऊं नहीं जाऊं जग में जन्मो ना मरूं माने अमरा फुर्रो मार गियो बतायो जी गुरु सा माने कर्म अनुवार प्रेम प्यालो पायो। अड़सठ तीर्थ मारे गुरुआ सारे शरण। अड़सठ तीर्थ किसा है कि सर्वप्रथम आदमी रा कोई भी जीव मात्र है मनुष्य दुनिया में प्रथम माता पिता गुरु है। अगर माँ बाप है अड़सठ तीर्थ अठ घर है अड़सठ तीर्थ है जिकी अठी है ज्ञान चर्चा है जिकी अठी है भजन बाणी है जिकी या माता पिता रे शरण। अड़सठ तीर्थ मारे गुरा सारे शरण में तो गीता गंगा ज्ञान नहावण नायो जी कर मनवार गुरा सा माने प्रेम प्यालो पायो जी। जिके माता पिता री सेवा कर ली माता पिता रो आशीर्वाद परिपूर्ण मिल गयो तो भी रोजियां समझ लेनो के अड़सठ तीर्थ नहावण कर रहा है और हगड़ा वे शास्त्र पढ़ जाए इतो भी अनुभव हो जो देवनाथ गुरु सामर्थ्य मिलिया राजा मान जस गायो रे गुरा सा माने कर मनवार प्रेम प्यालो पायो रे। बोले सतगुरु दीन दयाल की जय। बोलो हम मात पिता गुरुदेव की गुरु विश्वकर्मा भगवान की।